फाइनली फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं पंजाब नवांशहर, जहां गुरुजी का सत्संग है और जहां गुरुजी की असीम कृपा आज बरसेगी। और इतनी दूर से गुरुजी ने बुलावा भेजा है तो बार बार बारंबार हम यही कहेंगे शुक्राना आपका हर पल मेरे प्यारे गुरुदेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरु, जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय, जयकारा हम सबके प्यारे गुरु महाराज जी का, बोल साचे दरबार की जय। तेल किया, तेल करो। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। फुल्ला बाली पाल की जय, मेरे गुरुजी आए ने, फुल्ला बाली पाल की जय, मेरे गुरुजी आए ने, संगता ने हाथ जोड़े शीश झुकाए ने, संगता ने हाथ जोड़े शीश झुकाए ने, मेरे गुरुजी आए न मेरे गुरुजी आए। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय 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 गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी, धन धन 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 गुरुजी, वाह वाह 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 गुरुजी, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना दाता। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ इतनी दूर आएंगे। कभी नहीं था, जब से हम अटेंड करके आए सबसे कितना ज्यादा अंदर से हो रहा था, मतलब रात को भी 3 बजे नींद खुल रही, मन में यही चलता रहता था यार हमारे घर सत्संग कब होएगा, हमारे घर सत्संग कब होएगा, और करते करते इतनी जल्दी होएगा, ये भी गुरुजी की मर्जी होएगी। बुला लिया गुरुजी ने, है ना, बुला लिया। जय गुरुजी, जय गुरुजी। सही बात है, बंदा को चाय रोटी चाहिए होती है। जय गुरुजी, जय गुरुजी। किसको सपना आया था? आज रेस में जाना पड़ा, कंपलसरी था। क्या सपना आया? आया था कम से कम 15 दिन पहले सपना, कहती मम्मा मैंने देख लिया उसको, तो 2-3 आए उसको ये भी आया था कि गुरु जी स्वर्ग की सीढ़ियों पे ऊपर खड़े हैं, उनको पगड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। पगड़ी कभी कभी पहनते थे ओकेजन में गुरुजी। हाँ, वो कहती मम्मा उसको तभी हो रहा, मम्मा गुरुजी को पगड़ी लेनी है, पगड़ी लेनी है, फिर मैंने पूछा, वो कहते वो कभी कभी पहनते थे। हाँ हाँ, तो फिर उसको ही हो रहा था, मम्मा गुरुजी हमारे घर आए हैं तो अमृत वर्षा हो रही है, मेरी चाची भी बैठी हुई है, सब बैठी हुई है। तो आंटी जी के आंसू आ गए। संगत जी, बच्चों एक मिनट चुप। तो संगत जी आते ही गुरुजी ने देखो दर्शन दे दिए हैं, अमृत वर्षा होना शुरू हो गई है संगत जी। तो हम लोग सारे अंदर बैठे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो यहाँ गुरुजी अपने चमत्कार दिखाना शुरू कर गए हैं। तो ये देखिए संगत जी, कितनी अमृत वर्षा शुरू हो गई है। जय गुरुजी। जब मैं यहाँ मैं जूम करके बना रही थी ना, मुझे सब 2 ड्रॉप्स दिखाई दिए, पर मैंने शेयर नहीं किया। मैंने कहा कोई बोलेगा, हमेशा यही शोर डालती है। तो ये देखो भाई है, ब्रेकफास्ट करने तक हमारे अंदर, तो गुरुजी ने क्या नजारे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय 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 जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी ये देखिए कितनी अमृत वर्षा हो रही है, और लिटरली ये चीजें हिला देती है, सच्ची में कसम करके कह रही हूँ, हिला देती है ये चीजें।
जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना दादा, शुक्राना हर पल। ये जो आप दिखाते हो ना हम सबको, अपने बच्चों को कि मैं आपके अंग संग हूँ, शुक्राना दादा, शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ये देखिए संगत जी कितने बूंदे आना शुरू हो गई हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये सारे शो डाल रहे हैं संगत जी, मैं आपके साथ दिखा नहीं पा रही संगत जी मैं, तो संगत जी माफी देना, जय गुरु जी। अरे दो बूंदे दिखिए, फिर ब्रेकफास्ट करने गए हैं, देखो पीछे से चमत्कार, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये चीजें होती है ना, मैं डरती हूँ, क्यों लोग कहेंगे आप फिर से शुरू हो गए, जहाँ जा रहे हो वही हो रहे हैं। किसी एक घर की वीडियो थी हमारी, तो जैसे मतलब ज्यादा नहीं पता किसी को, तो वो ही कहते थे जब मैंने वीडियो डाल ली है ना उसमें देखना, मैंने यही लाइनें बोली हुई है, मैंने कहा उनके घर लीला लगा के आना, ये मनवाते हैं, ये मनवाते हैं, ये मनवाते हैं गुरु जी, हम हार गए हैं, इतने दर्शन देते हैं ना, मेरे पास जवाब देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि परसों भी किसी ने कमेंट करा था पीछे से लिक्विड डालते, तो मैं कहती हूँ गुरु जी आप जवाब दो ऐसे लोगों को, हमने नहीं देना, जो मैं कहती हूँ ना मानो पर गलत भी मत बोलो, मत मानो, देखो देखो ब्रेकफास्ट करने गए हैं, बाहर से नजारा हो गया, देखो कितनी बूंदे आ गई, ये देखो, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी देखिए इन्होंने कितने प्यार से ये ब्लेसिंग को संभाल के रखा है, तो ये जब अमृत वो क्या था मेरे घर पे प्रभात फेरी के जब अवसर पे आप आए थे, तो ये ब्लेसिंग मिली थी इनको, तो इन्होंने कितने स्वरूप था, तो मेरा जो वहां टेंशन था वो वहीं रह गया था जम्मू, उसको आने में भी टाइम लग रहा था मेरे पास, हाँ जी, तो वो हमने फिर शॉप पे भेजा, लेकिन मैंने जैसे आप मानोगे जैसे मैंने सोफा बना के वहां रखा ना स्लैब पे अपनी, अभी मतलब यहाँ भी नहीं लेकर है, उस टाइम ही मतलब मेरे जीजू आ गए बाहर बाइक पे कि सब रूप आ गया, जय गुरु जी, मतलब ये छोटे छोटे मतलब ऐसे हो रहे हैं कभी, जिस दिन गुरु जी को मैंने स्थापित करा उस दिन बाहर हमारे पौधों में तितलियां घूमने लग गई, तो अटैच होती रही बातें, पहले नहीं, जय गुरु जी, हो गया कि मेरे को हो गया नहीं, अब तो पक्का, वो दिखाते रहे ना कि मैं आपके साथ हूँ, देखो जब आपने इतना प्यार, इतने रिस्पेक्ट, इतना स्नेह दिया है गुरु जी को, देखो कैसे बिठाया हुआ, बनाया सोफा, तो ये देखो कैसे संगत जी इन्होंने खुद ही एक छोटा सा सोफा बनाया है और उस पे गुरु जी का स्वरूप बिठाया है, तो इतना प्यार देके गुरु जी ने दर्शन देने ही है भाई, आइडिया मतलब ऐसे से करके बना दिया, नहीं मैंने कहा इतना जब प्यार दिया आपने, इतनी रिस्पेक्ट, गुरु जी दर्शन देंगे क्यों नहीं देंगे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल करके दर्शन कराती हूँ, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जो भी गुरु महाराज संग जुड़ता है संगत जी, उन्हीं के पास इतने किस्से कहानियां होती हैं सुनाने के लिए कि मुंह ही नहीं बंद होता, और आते ही हमने दरबार सजाना शुरू कर दिया है और प्यारे गुरु महाराज जी की गद्दी सज गई है, तो बहुत ही पॉजिटिव सा ऑरा है इनके घर का, और बहुत ही अच्छे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही रिस्पेक्ट दी हमें, और यही संगत जी यही प्यार साथ जाना है और कुछ नहीं जाना, अच्छा स्वभाव, अच्छा नेचर, अगर आप अच्छे हैं तो वही कोई याद रखेगा, तो ना ही पैसा साथ जाता है और ना ही कुछ और जाते हैं, तो अपने कर्म और अच्छाई। तो संगत जी बहुत ही सुंदर दरबार आंटी जी ने खुद भी सजाया था, ऊपर हाथ से बनी हुई तितलियां लगाई, और ना जाने क्या क्या तैयारियां उन्होंने हमारे आने से पहले ही कर दी ताकि हमें ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो, तो आते ही हम संगत ने भी दरबार को सजाया है, बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है, बहुत ही पॉजिटिव, और जहाँ गुरु जी होते हैं वहाँ सब कुछ अच्छा होने लगता है अपने ही आप, तो गुरु जी की असीम कृपा होती है वहां पर। होनी में उच्चिया बागा बाली, नी में उच्चिया बागा बाली, मेरी कुटिया दे बाग जगाए ने, अज गुरु जी मेरे कर आए ने, अज गुरु जी मेरे कर आए ने, अज गुरु जी मेरे कर आए ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज हमारे प्यारे गुरु जी नवा शहर पंजाब में आए हुए हैं अपना सत्संग के लिए,
तो बहुत ही प्यारा परिवार है जिन्होंने बहुत ही मान सम्मान के साथ दूर दूर से भी इनके रिश्तेदार भी आए हैं है। संगत जी और गुरु महाराज ने भी माफी चाहती हूं, मेरा दिखाए हैं अपना होने का खराब सा हो रखा है क्योंकि नींद ना पूरी होने के कारण एक्चुअली रात को लेट पहुंचे हैं और उसके बाद एडिटिंग की है मैंने, तो संगत जी कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप अपनी अनुराधा का साथ देंगे, हर पल उसका हाथ थामे रखेंगे जिस तरह से प्यारे गुरु महाराज जी ने थाम रखा है। तो ये जल वर्षा का जो ये करिश्मा है कितने ही घरों में गुरु जी ने दिखाया है, अपने जलवा बिखेरा है और दूर दूर से संगत आती जाती है जिसको भी ये नजारे का पता चलता है क्योंकि सब गुरु जी के दर्शन पाना चाहते हैं, खुद को ब्लेस करना चाहते हैं। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी शोर मत डालो। तो संगत जी ये देखिए प्यारे गुरु महाराज जी ने भोग प्रसाद खा लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना जो हर पल आप साथ निभाते हो। तो संगत जी ये वाला जो जो प्रसाद है इस पे पूरा ओम बना हुआ है, ये देखिए संगत जी अगर आप देख पा रहे हैं तो ये पूरा ओम बना हुआ है। ये दिखाना उंगली से बंदा आंटी, ये देखिए प्रसाद बांट के देख रहे हैं, पूरा ओम बना हुआ संगत जी। ये देखिए ब्लेस हो गया ये प्रसाद। रुको रुको एक मिनट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी ये आप तक पहुंचाना, ये वीडियो जो आपको दिखाना, कोई हमारा कोई और मकसद नहीं है, बस गुरु जी के प्रति ये जो विश्वास हम लोगों का बना हुआ है और जो बढ़ रहा है डे बाई डे, ये संदेशा पहुंचाना आप तक जरूरी है कि गुरु जी साक्षात हैं, अंग संग हैं, हर पल हैं, हर एक के साथ हैं, जहां भी जाओ वो हर तरह से हर अपने तरीके से हर जगह को ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। तो ये मिक्स कर दो बंदना आंटी सारा, ठीक है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये प्रसाद अब सभी प्रसाद में मिक्स किया जाएगा ताकि पूरी संगत इसका भोग लगा सके, ये जो ब्लेस्ड लंगर प्रसाद है। जय गुरु जी। तो संगत जी अगर इस तरह से अगर नहीं भी कभी आपको लगता है कि गुरु जी ने प्रसाद नहीं खाया या कोई निशानी नहीं दी है, तो तब भी वो ब्लेस्ड लंगर प्रसाद होता है, मन में ये बहम मत लाइए। ये तो बस गुरु जी की श्रद्धा है, गुरु जी का विश्वास है जो हमारे प्रति बढ़ता जा रहा है संगत जी। तो कोई भी जल्दबाजी में मुझसे बोलने में गलती हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी तो ये देखिए लंगर प्रसाद को भी ब्लेस कर दिया है प्यारे गुरु महाराज जी ने और उस पर इतना बड़ा ओम बन गया है संगत जी, कितना बड़ा ओम। और ये गुलाब जामुन को भी तोड़ दिया है गुरु महाराज जी ने, इसका भोग प्रसाद लगा लिया है। तो धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, आपके ये नज़ारे देख देख के हम इतने धन हो गए हैं, इतने धन धन हो गए हैं गुरु जी। तो कितना बड़ा संगत जी ओम बन गया है, तो ब्लेस्ड लंगर प्रसाद है ये और गुरु जी के पास रखी गई हर चीज़ ब्लेस होती है। तो ये जरूरी नहीं कि वो खाएं ही, अगर वो नहीं भी खाते हैं तो भी वो हर सामान हर चीज ब्लेस्ड है जिसपे गुरु महाराज जी का स्वरूप पड़ा है, जो गुरु महाराज जी के स्वरूप के आसपास है, साक्षात गुरु महाराज जी विराजमान हैं। जयकारा मेरी माँ बाबे वालिदा।
आपके दरबार की जय। जयकारा हम सबके प्यारे गुरु महाराज जी का, बोल साचे दरबार की जय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना, अनंतम शुकराना। संगत जी बैठ जाओ सारे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, हमारे प्यारे गुरु महाराज जी का, जिन्होंने आज हमें यहाँ इतनी दूर सत्संग के लिए बुलावा भेजा, तो शुक्राना उस परिवार का भी, अंकल जी आंटी जी बहुत बहुत शुक्राना आपका, जो आपने इतनी दूर से हमें बुलाया और हमें लग ही नहीं रहा है कि किसी अनजान जगह पे, किसी नई जगह पे हम गए हैं। घर जैसा फील हो रहा है और बात वही आ गई कि जहाँ गुरु जी होते हैं वहाँ परिवार होता है, तो गुरु जी ने परिवार में ही भेजा है। तो कलयुग के अवतार, ये शिव जी के अवतार, ये जो गुरु जी हम सब लोगों के लिए आए हैं, तो हम हर पल इनसे यही कहेंगे कि आज तक लाज रखी है दादा, आगे भी हमारी लाज रखी है दादा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और आई हुई संगत जो भी जितनी भी संगत है उन सबको हम, ये जो जम्मू का गुरु परिवार आया है उन सबकी तरफ से जय गुरु जी, और बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आके। लग ही नहीं रहा कि हम फर्स्ट टाइम आप लोगों से मिल रहे हैं, और आंटी के ये टिक्के पे वो बने हुए पूरा, ये देखो कौन सी आंटी, ये जो बैठी हुई है, इनके इनके पूरा बना। जय गुरु जी। तो ये ब्लेसिंग होती है आंटी जी, एक्चुअली होता क्या है, जब हम गुरु जी के रास्ते पे चलते हैं ना, तो अब हम लोगों का तो ऐसा हो गया कि ऐसे भी कुछ खेलेगा तो हम कहेंगे गुरु जी हिला रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं हम कहेंगे वो बुलवा रहे हैं। तो गुरु जी के साथ ऐसे सीन्स होते हैं भाई, ऐसे ही उनके सिम्टम्स होते हैं। अब जैसे प्रसाद खा लिया, ये गद्दी बिल्कुल सेट थी, ये पूरी हिला दी उन्होंने, ये देखिए। तो ये चीजें हमें अनुभूति कराती है कि गुरु जी हमारे बीच आए हैं, उन्होंने अपना एहसास कराया है। तो संगत जी हमेशा वो साथ देते हैं। अभी हम सिर्फ आज जोत में, कब से गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं, जोत में भी हो रहे हैं। तो इतनी अमृत वर्षा हुई है आते ही ये वाले सब रूप पे, तो यही कहते हैं हर बार की आज तक लाज रखी है और आगे भी रखना। संगत जी ऐसा नहीं है कि अगर वो अमृत वर्षा या जल वर्षा का दर्शन नहीं दे रहे हैं तो वो आप लोगों के साथ नहीं है, वो तब भी आप लोगों के साथ है, हमारे साथ है, बस उनका ब्लेस करने का जो तरीका है वो अलग है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी मिलके लगाएंगे हाजिरी। जय जय गुरु जी, 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 धन धन 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 गुरु जी, वाह वाह 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 गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो प्यारी संगत जी, अगर आप किसी के भी दिमाग में कोई सवाल या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर कोई अपना सत्संग शेयर करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, क्योंकि ये भी एक तरह की ब्लेसिंग है। संगत जी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अपना सत्संग शेयर करना, तो हमारा लिए आज का ये जो सत्संग हमारा यही हो गया, जिसने हमें जम्मू से यहाँ भेजा, हमारे लिए सबसे बड़ा सत्संग आज का यही है, यही ब्लेसिंग है। तो ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, और गुरु जी हर एक को ब्लेस करते हैं। तो जितनी भी आई हुई संगत है सभी को गुरु जी ब्लेस करें, उनकी झोलियां भरे, और सब एक ही बात बोले, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जितना पड़दा साडीपा असा रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी था असा रुल जाना सी, ओ जितना पड़दा साडीपा असा रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी था असा रुल जाना सी। ये ना जब से ये परिवार जुड़ा ना, तो ये दो गाने हम जरूर गाते हैं। ये आंटी से हम, हमारी तीसरी मुलाकात है, दो बार जम्मू में हुई है, किसी आंटी के घर पे, मेरे घर पे, और तीसरी बार आई यहाँ पे। तो कोई ना कोई नाता है गुरु जी का बनाया हुआ, कोई ना कोई नाता है जो आज हम यहाँ तक आए हैं।
तो संगत जी कोई भी गलती हुई हो तो माफी, यही बोल सकते हैं माफी और शुक्राना। जय गुरु जी। जय। और आंटी जी आप भी आपके आंटी का शुक्राना कीजिए और सत्संग कोई ऐसा शेयर कीजिए। खुशी है, करो करो। जय गुरु, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई भी सभी संगत का भी मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और गुरु जी का तो शुक्रिया हर पल ही करती हूँ, क्योंकि सत्संग तो शायद नहीं है मेरे पास कोई अभी। मैं बहुत कम टाइम से गुरु जी को जानी हूँ, समझी हूँ, बट हाँ इतना है कि शिव जी को मानती थी। मैंने कुछ प्रॉब्लम थी माइंड में बहुत, मैंने शिव जी के मंदिर जाके प्रे करी थी कि भाई भोले बाबा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, भाई मेरी बहनें भी नहीं समझ रही है, कुछ बात ऐसी हो गई थी कि मुझे कोई समझ नहीं रहा, बस आप मेरी बात सुनो और मेरे सहाय बनो। तो कुछ इस तरीके से हो गया कि टिमसी के यहाँ सत्संग जाने का हमारा बन गया, योग बन गया। तो मुझे यही लगा कि शायद भोले बाबा ने डायरेक्ट मुझे इनकी शरण में सौंपा है। तो और अब मैं बहुत खुश हूँ, इतनी जल्दी शरण में भी लिया और मेरे घर सत्संग में भी हो गया कि आ गए गुरु जी मेरे घर में। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। ले आओ मैं प्यार तेरे नल पा ले आओ, कोई सहारा मिल, सहारा मिल, सहारा मिल, हर दम मैं तेनू पुकारा वे, पुकारा वे, पुकारा वे, मेरा होने न कोई सहारा वे, हर दम मैं तेनू पुकारा वे, मेरा होने न कोई सहारा। एक बारी, एक बारी, एक बारी कह दो गुरु जी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना।
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।